कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेमोरी यूनिट के इस लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर रैम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम क्या है, है ना, स्टैटिक डायनेमिक रैम कितने कितने तरह के होते हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर उसमें DDR का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं आज के समय में, डबल डेटा रेट 1, 2, 3, 4, 5, वो क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को डिजाइन किया गया है और आपके सिलेबस का पार्ट होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। वैसे भी एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो मेमोरी यूनिट के दो टाइप थे, रैम और रोम, क्लियर है ना। फिर सेमीकंडक्टर रैम के बारे में पिछली बार हम लोगों ने देखा कि उसका आईसी कैसा दिखता है और उसके आईसी में जो पिन्स हैं एक्चुअली में उनके फंक्शंस क्या हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि रैम कितने तरह के, सेमीकंडक्टर रैम कितने तरह के होते हैं और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं और क्या वजह है कि एक की कॉस्ट कम होती है और दूसरे की कॉस्ट ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रैम, रैम के दो प्रकार हैं, एक आपका स्टैटिक रैम है, दूसरा डायनेमिक रैम है, और तीसरा आपका उसी में अगर हम स्टैटिक रैम में ही हम आगे और डिवाइड करने जाएं तो अलग अलग और कैटेगरीज मिलेंगी, जिसको पीछे अभी हम लोगों ने देखा हुआ था और आगे भी हम लोग आज स्टडी करेंगे, है ना। एक एक करके हम देखते हैं। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, वो फास्ट मेमोरी होता है और वहाँ पर डेटा इमीडिएटली स्टोर हो जाता है, एक क्लॉक पल्स चेंज होने पर अपने आप रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम ना को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज ये डायनेमिक रैम का मैपिंग होता है जिसको CPU डायरेक्टली यूज करता है, इसलिए यहाँ पर रिफ्रेश का कोई ऑप्शन नहीं है। सीधे सीधे डेटा स्टोर हो जाए, डेटा को रीड किया जा सके, इसके लिए डिजाइन किया जाता है। ये आपका कैश मेमोरी में यूज होता है। अगर आपको मैं बताऊं तो स्टैटिक रैम एक्चुअली में कैश मेमोरी है, है ना, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का जो पोर्शन है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसमें 6 ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर जो सप्लाई हमने अप्लाई किया है, कुछ सप्लाई अप्लाई किया VDD और सेकेंड एंड पर ग्राउंड कनेक्ट किया है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो VDD से ग्राउंड की तरफ होगा, ठीक है। ये हमारा है वर्ड लेंथ WL, वर्ड लेंथ, दिस इज द कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल ये बताएगा कि रीड ऑपरेशन होना है या राइट ऑपरेशन होना है, और इसके लिए अलग अलग सर्किटरी होती है। यहाँ पर एक सिंगल सर्किट में इन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। सो हमारा वर्ड लेंथ जो यहाँ पर वर्ड लाइन जो यहाँ पर दे रहे हैं, इसके बारे में हमें बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या जानना है कि डेटा कैसे स्टोर होगा। तो डेटा कहाँ है, जो BL है, BL का फुल फॉर्म है बिट लाइन। तो बिट लाइन का मतलब वो बिट जो स्टोर होना है। यहाँ पर BL लिखा है और यहाँ पर BL कॉम्प्लीमेंट लिखा है। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि अगर BL की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर BL की वैल्यू 1 होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 0 होगा, ठीक बात है ये। मतलब ये BL और BL बार ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गेट के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है। और इंटरनली जो डेटा स्टोर हो रहा है वो PMOS और NMOS की सहायता से स्टोर हो रहा है। तो देखेंगे अगर दो हमारे NMOS यहाँ पर हैं जिनकी सहायता से जो भी डेटा बिट है ना, जिसको स्टोर करना है, वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही, इसको बोलते हैं पास ट्रांजिस्टर। तो दो NMOS टाइप के पास ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसको एक्चुअली में ये बताना है कि वहाँ से डेटा रीड होना है या राइट होना है, इतना बस ये इसके लिए यहाँ पर एक्टिव होगा। बाकी एक बार ये एक्टिव हो गया तो डेटा रीड होगा या राइट होगा तो देख ही लेंगे, है ना, उसको वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है या पर वहाँ से डेटा को रीड किया जा सकता है। जो मेन आपका स्टोरेज एलिमेंट है वो 4 ट्रांजिस्टर से बना है। ये वाला एरिया को आप देखिए, दिस इज डिजाइंड यूजिंग 4 ट्रांजिस्टर्स। कुल 6 ट्रांजिस्टर्स इसमें लगते हैं, जिसमें से जो 4 ट्रांजिस्टर हैं उन चारों में आप देखिए ये PMOS और NMOS का जो कॉम्बिनेशन है, ये पहला कॉम्बिनेशन, दिस इज 1 इन्वर्टर, एक हमारा ये इन्वर्टर है, कपल्ड इन्वर्टर बोलते हैं इसको।
इसको आप मिलाकर सी मॉस के नाम से भी जानते हैं, पी मॉस और एन मॉस का जो कंबाइंड है उसको आप बोलते हैं सी मॉस। और इसी तरह से पी मॉस और एन मॉस का यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा इन्वर्टर बना है, इसको भी आप क्या बोलते हैं, सी मॉस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और यही दो स्टेबल स्टेट 0 और 1 को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो आइए देखें ये काम कैसे करता है। तो एक बिट को, वन मेमोरी बिट को स्टोर करने के लिए 6 मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होगी, जो आप सामने देख पा रहे हैं, है ना। और इसी तरह से अगर 8 हमारे स्टैटिक रैम 8 बिट का है, तो उस कंडीशन में 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ही 8 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारा BL इक्वल टू 0 है जिसको स्टोर करना है, तो BL 0 होगा तो BL बार 1 होगा। अब BL 0 है और N मास पास ट्रांजिस्टर आपने एक्टिव कर रखा है, मान लीजिए WL की वैल्यू 1 है, इसको तो इनिशियली 1 मानकर ही चलेंगे, तभी आपका पास ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे, है ना, किनारे वाले। अब देखिए जब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये 0 फॉरवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये बिट 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की वैल्यू भी 0 होगी, ध्यान से देखिएगा। और ये वैल्यू 0 हुई तो ये आपने जो पी मॉस है इसको ये 0 मिल रहा है, पी मॉस 0 पर ऑन हो जाता है, पी मॉस नेगेटिव वोल्टेज पर ऑन होता है, तो 0 पर ये ऑन हो जाएगा और 1 पर ये ऑफ हो जाएगा। और एन मॉस को अगर आप कहें तो एन मॉस 0 पर ऑफ हो जाएगा, एन मॉस पॉजिटिव वोल्टेज पर ऑन होगा, है ना, और 1 पर ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, 1 पर ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 अप्लाई किया तो 0 जब पी मास को दे रहे हैं तो पी मास क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स ऑन। और 0 जब एन मास को देंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो एन मास ऑफ हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई करेंट फ्लो नहीं हो पाएगी। पी मास ऑन हो गया, इसका मतलब ये जो VDD है वो यहाँ पर आकर आएगा। VDD मान लो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट यहाँ अपीयर होगा, 5 वोल्ट मतलब हाई लॉजिक यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और BL बार की वैल्यू तो 1 है ना, अब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो ऑब्वियस सी बात है यही 1 यहाँ पर मिलेगा भी, तो मतलब ये वर्किंग ठीक काम कर रही है। ये 1 अब डायरेक्टली इसको भी मिल रहा है, तो ये जो बबल है ये जब पी मास को ये वोल्टेज देंगे 1, तो पी मास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। और जब ये 1 एन मास को देंगे तो एन मास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो पी मास आपका ऑफ हो गया तो यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगी, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है कोई भी वोल्टेज यहाँ से नहीं पहुँचेगा। और एन मॉस ऑन हो गया तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, ये ग्राउंड 0 वोल्ट है तो यहाँ का भी जो वोल्टेज लेवल होगा 0 वोल्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ का 0 लॉजिक, और इनिशियली भी 0 लॉजिक ही था। इसका मतलब क्या है, ये 0 इस 1 को सपोर्ट कर रहा है और ये 1 इस 0 को सपोर्ट दे रहा है। तो SRAM डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो 0 और 1 लॉजिक हैं वो कॉन्स्टेंटली बने रहें, स्टेबल स्टेट में हमेशा बने रहें, और उसमें कोई भी 1 या 0 लॉजिक में जो वोल्टेज लेवल है वो समय के साथ साथ कम ना हो जाए, है ना, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। पहले तो ये समझना है हमको, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये 6 ट्रांजिस्टर का बना है, ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिस्टर की संख्या इसमें ज्यादा है, एक तो इसको डिजाइन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, और इसके पैटर्न डेवलप करने के लिए जो पूरी कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये करीब करीब 10 से 12 गुना ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है नॉर्मल रैम की अपेक्षा, स्टैटिक रैम की। स्टैटिक रैम आपका कहाँ यूज होता है, कैश मेमोरी में यूज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सिस्टम में कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा साइज का, बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस का नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा साइज का कैश रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको एक नॉर्मल कॉमन मैन या नॉर्मल यूजर अफोर्ड नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारा जो स्टैटिक रैम है, है ना, वो उसका साइज इतना ही हमको सिस्टम में रखना चाहिए कि हम अफोर्ड भी कर सकें और सिस्टम अपना ठीक से काम करता भी रहे। बात समझ में आई? क्योंकि ये बाइपोलर जंक्शन, ये आपके मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बने हैं, इसलिए इनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है। SRAM आपके BJT के भी बनते हैं, प्रीवियस टाइम में BJT के बना करते थे, ये काफ़ी फास्ट भी होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि ये एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इसको फिर बाद में ड्रॉप कर दिया गया और MOSFET की सहायता से इसको फेयरली डिजाइन किया गया, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है,
और स्पीड ऑफ एक्सेस भी काफी अच्छा है ना। ठीक है, और ये सीपीयू के साथ, सीपीयू रजिस्टर्स के बाद है ना, अगर सबसे फास्टेस्ट कोई मेमोरी है तो यही है स्टैटिक मेमोरी, जो आपका कैश मेमोरी के रूप में पढ़ते हैं। ओके, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें मेमोरी कैपेसिटी काफी कम होती है, उसकी वजह भी आगे लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फेयरली हाई है, इसलिए इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो काफी कम रखी जाती है ताकि यूजर इसको अफोर्ड कर सके। अब जो दूसरा हमारा होता है वो आपका डायनेमिक रैम होता है। तो डायनेमिक रैम हमारा क्या है, इसमें एक बिट हमारे पास है, मान लीजिए 0 है या 1 है, इसको हमें स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमें पास ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और इस पास ट्रांजिस्टर WL की वैल्यू हम इनिशियली हाई ही लेकर चलेंगे। जब ये हाई होता है उस कंडीशन में पास ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, एन मास से इसको हाई देंगे तो ऑन हो जाएगा, गेट पर हाई देने पर ये ऑन हो गया, तो ये 0 या 1 इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कैपेसिटर है कुछ वैल्यू तक चार्ज होगा। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो BL की वैल्यू 0 है अभी, है ना, BL की वैल्यू 0 है, तो ये जो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर मान लो हाई वोल्टेज 5 वोल्ट तक चार्ज है, इसमें यहाँ पर लॉजिक 1 इनिशियली था, अभी 0 इसमें स्टोर करना है। 0 स्टोर करने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज कब तक होगा, जब तक कि इसके अक्रॉस वैल्यू कितनी ना हो जाए, 0 वोल्ट ना हो जाए, और कुछ ही समय में इसकी अक्रॉस जो वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी, मतलब इसमें 0 क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब हमें 1 स्टोर करना है, जब BL की वैल्यू 1 होगी मतलब 5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, 0 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ एक करंट फ्लो होगी, ये करंट का ये डायरेक्शन होगा, इस करंट फ्लो के साथ ये जो वोल्टेज लेवल है VC, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कुछ ही समय में इसकी वैल्यू 5 वोल्ट हो जाएगी, मतलब अब यहाँ पर 1 स्टोर हो गया। मतलब आप ध्यान से देखें तो इसमें जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हम स्टोर कर रहे हैं 0 या 1 है ना, वो उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड कर रहा है। तो चार्जिंग टाइम भी ना, एक तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग प्रोसेस है उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेस टाइम है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं। तो इसका जो डी रैम है वो थोड़ा सा स्लो होता है देन देट आपका एस रैम की अपेक्षा स्लो होता है, बट इसमें देखें तो केवल एक ही ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है ना। ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्टेटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर यूज होते थे, तो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न था उसमें, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जा रहा था। यहाँ एक ही ट्रांजिस्टर, एक तो इसका पैटर्न आसान होगा मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा एक सिंपल एक कैपेसिटर की IC लग रही है, तो ये एक एक्टिव कंपोनेंट और एक पैसिव कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है, जो एक आसान सर्किट है जिसको डिजाइन करना आसान है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसकी अपेक्षा करीब 10 गुना कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यही तो वजह है कि जो डायनेमिक रैम है वो आपके नॉर्मल रैम में यूज किया जाता है, इसकी कॉस्ट अफोर्डेबल है। तो रैम जो है उसी इसी ये डायनेमिक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, और उसी की सहायता से उसको इम्प्रूव करते हैं। इतनी बात ठीक है ना। तो जो कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज होते हैं, दो चार वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स है ना, और उसको ड्रॉ करना डिजाइन करना भी आसान होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से वो काम करता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें हम, तो मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, अभी अभी बात हो रही थी, लेकिन इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है ड्यू टू चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस है ना। दूसरा एक जो खास बात है, अभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से ये जो एक्सेस टाइम है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ एक्सेस काफ़ी स्लो हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है अगर उसको ठीक से कनेक्ट नहीं किया, हालांकि NMOS में ऐसा बहुत दिक्कत नहीं आता है, लेकिन कई बार अगर ऐसी दिक्कत आ गई तो ये कैपेसिटर समय के साथ साथ डिस्चार्ज भी हो सकता है, और अगर ये डिस्चार्ज होगा तो जो वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट पर हाई है, तो आपको तो पता है जो वोल्टेज लेवल का मार्जिन होता है वो 2.5 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए होता है, तो 5 वोल्ट से वो डिस्चार्ज होते होते 3.5 वोल्ट 3 वोल्ट पर भी आ सकता है, और उसके अपने काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिस पर बात आगे ज़रूरत पड़ने पर की जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी है लॉजिक की है ना, उसमें भी कई बार बदलाव होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से
इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। हालांकि टेम्परेरी डेटा इसमें आता है, आपको याद है कि जो रैम है नॉर्मल रैम है उसमें आपका टेम्परेरी डेटा आता है और इमिडिएटली वो लॉस्ट हो जाता है समय या बदल जाता है समय के साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा समय तक इसमें डेटा रहना नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वोल्टेज लेवल है ना उसके डिस्चार्ज अगर होता भी है तो उसमें तो काफ़ी समय लगता है, उतने समय तक डेटा ही नहीं यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है इसका जो लॉजिक है वो स्टेबल बना रहेगा, जीरो या वन जो भी है इसमें वो बना रहता है। तो ये एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज होंगे। डी रैम को अगर हम देखें तो इतने इतने तरह के आपको दिखाई देते हैं, आर डी रैम, रैम बस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम मतलब एच डी रैम, और तीसरा आपका डबल डेटा रेट एच डी रैम है ना, इसको भी आप कहते हैं। तो एच डी रैम में भी इसकी बात हम करते हैं कि एच डी रैम में डबल डेटा रेट अलग से कहाँ से आ गया है ना। तो रैमबस जो आपका डायनेमिक रैम है ये रैमबस कंपनी ने बनाया था, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा रैमबस डायनेमिक रैम। ये 2000 के आसपास बना था और ये जो इसका ट्रांसफर स्पीड होता था 1 GHz हुआ करता था। ये वीडियो गेम डिवाइसेस और ग्राफिक कार्ड में यूज होता था। ये बहुत बाद में आया था जब आपका एच डी रैम डिजाइन हुआ था, उसके बहुत बाद में आया था। एच डी रैम की अगर बात करें तो इसमें जो डेटा रेट ट्रांसफर स्पीड है 133 MHz पर होता था, जो 1 GHz की अपेक्षा काफ़ी कम है। ये पहले आया था आपका रैमबस कंपनी ने बाद में अपना रैम बनाया था जिसका जो ट्रांसफर स्पीड था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक समय में एक गिवन टाइम पर कई बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ परफॉर्म हो सकते थे सिंक्रोनस डायनेमिक रैम में। एक जो खास बात थी, सिंक्रोनस नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि ये मेमोरी, इस जो मेमोरी की स्पीड है वो सीपीयू के क्लॉक स्पीड के साथ मैच करता है, सिंक्रोनाइज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस डी रैम या एच डी रैम। इतनी बात समझ में आ रही है? यस। डबल डेटा रेट में क्या होता है, जैसे अब हम जो रीड और राइट की बात करते हैं, इसको आप ध्यान से देखो, तो रीड और राइट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम एक साइकिल में एक बार रीड या राइट की बात करते हैं। तो मान लो राइजिंग एज पर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, राइजिंग एज पर राइट होता है, रीड या राइट होता है, तो राइजिंग एज ही क्या मिला, फिर ये फॉलिंग एज आया, फिर इसके बाद फिर ये राइजिंग एज है, फिर बढ़ रहा है ना। तो एक बार रीड या राइट यहाँ होगा, फिर एक बार यहाँ होगा, फिर एक बार यहाँ होगा, और फिर एक बार आगे वाले साइकिल में होगा, इस तरह से एक बार यहाँ हुआ होगा। तो ये जो हमारा है ये इस तरह से। डबल डेटा रेट में क्या होता है, राइजिंग एज और फॉलिंग एज दोनों पर ही रीड और राइट होता है, मतलब एक ही साइकिल में अब जो डेटा है वो दो बार रीड या राइट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ही क्लॉक मशीन साइकिल में अब जो डेटा ट्रांसफर है वो दो बार होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, क्योंकि राइजिंग एज और फॉलिंग एज दोनों पर ही रीड और राइट का ऑपरेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसी बात है, जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा दैट विल बी डबल्ड, वो बढ़ जाएगा, वो दो गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब बैंडविड्थ डबल हो जा रही है। इस मेथड को बोलते हैं डबल पंपिंग। क्या बोलते हैं? डबल पंपिंग। तो हम कह रहे थे एक साइकिल में एक बार वो पंप होगा, एक बार वो पंप होगा, अब एक साइकिल में वो दो बार पंप होगा, मतलब एक फिर दो, ऐसे है ना। तो ये दो बार पंप हो रहा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डबल पंपिंग बोल रहे हैं। तो डबल डेटा रेट में अब एच डी रैम पहले देखिए, एच डी रैम जो आपका सेकेंड अभी आपने देखा था, एच डी रैम, एच डी रैम का जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो 66 MHz से लेकर 133 MHz तक, और इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट था वह था 100 से लेकर 166, ठीक है, एमटी पर सेकेंड। एमटी का मतलब मिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड, नीचे इस चीज़ को एक्सप्लेन पहले से ही कर दिया गया है सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मिलियन का मतलब होता है मिलियन ट्रांसफर, मतलब कितना डेटा ट्रांसफर होगा, 1 मिलियन, मिलियन का मतलब 10^6 है ना, तो 10^6 ट्रांसफर पर सेकेंड ये होता था इसमें, मिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड, और इसमें 100 MT पर सेकेंड यहाँ पर से लेकर 166 MT पर सेकेंड तक, और एक साइकिल में एक ही वर्ड का ट्रांसफर होगा। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था 3.3 वोल्ट था, मतलब जो हाई लॉजिक है वो 3.3 वोल्ट है और जो लो लॉजिक है इसके लिए 0 वोल्ट है, इतना याद रखिएगा। अब जब डबल डेटा रेट आया तो डबल डेटा रेट 2000 में आया, तो उसमें डबल डेटा रेट वर्जन 1 में कई वर्जन उसमें आए, उसमें जो हाई लॉजिक था 2.5 वोल्ट था और लो लॉजिक 0 वोल्ट था,
और इसमें एक मशीन साइकिल में दो वर्ड आप ट्रांसफर कर सकते थे, दो बार ट्रांसफर हो सकता था, आपको याद हो गई है, अभी अभी बात हुई थी, ठीक है। और रैम क्लॉक रेट इसमें 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच में रखा जाता था, और जो डेटा ट्रांसफर रेट था वो करीब करीब 200 से 400 एमटी पर सेकेंड, ये है ना, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट और बढ़ गया। DDR3 में जो पावर कंजम्पशन है और कम हो गया, क्योंकि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट हो गया, तो हाई लॉजिक अब 1.8 वोल्ट पर था और जीरो लो लॉजिक 0 वोल्ट पर। और इसमें एक ही मशीन साइकिल में 4 बार डेटा का ट्रांसफर हो रहा था, कितनी बार, 4 बार डेटा का ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पर जो रैम क्लॉक साइकिल या क्लॉक रेट है वो 200 से 400 मेगाहर्ट्ज, और उसकी वजह से जो डेटा ट्रांसफर रेट मिल रहा है वो 400 से 1066 एमटी पर सेकेंड, 1066 एमटी पर सेकेंड ये हमको मिलता है। DDR3 2007 में आया, जिसमें जो हाई लॉजिक था वो और कम हो गया, जैसे पावर कंजम्पशन और रिड्यूस हुआ 1.5 वोल्ट, और एक मशीन में 8 बार डेटा ट्रांसफर हो सकता था वन मशीन साइकिल में। इसमें जो फ्रिक्वेंसी रैम क्लॉक रेट या फ्रिक्वेंसी है वो 400 से 1066 तक ही आपका काम करता है ना, इस पर काम करता है, और इसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 800 से लेकर 2133 एमटी पर सेकेंड तक होता है। फिर DDR4 आया 2014 में, ठीक है, तो 2014 में इस DDR का जो आपका हाई लॉजिक था 1.2 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, हालांकि एक मशीन साइकिल में 8 ही वर्ड का ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन रैम क्लॉक साइकिल इसमें बढ़ा दी गई थी 1066 से 1600 तक, तो क्लॉक साइकिल बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है जो डेटा रेट है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो डेटा रेट इंक्रीज होकर मिल रहा है वो 1600 से 3200 एमटी पर सेकेंड तक। DDR5 अभी नया नया चल रहा है ना, 2019 में करीब करीब आया, 2018 में इस पर काफी काम हुआ था, तो 2019 में आया। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 1.1 वोल्ट है, ये 1.1 वोल्ट इसका हाई लॉजिक है, लो लॉजिक 0 वोल्ट है। इस ये प्रोसेसिंग जहाँ प्रोसेसिंग लिखा है इसका मतलब है कि अभी इस पर काम चल रहा है, तो इसके डेटा में अभी और बदलाव हो सकता है, जैसे 8 से 16 लिखा हुआ है, तो 16 पर अभी बात हो रही है या हो गई है इसका, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 8 और 10 पर काम हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि 8 से 10 आप फेयरली एग्जाम में लिख सकते हैं। DDR5 इसीलिए भी एग्जाम में रखा भी नहीं जा रहा है। DDR5 एमटेक और PhD के रिसर्च का पार्ट है, जिसमें अभी और नए DDR डिजाइन किए जा रहे हैं, जो PhD स्कॉलर्स होते हैं वो इस पर काम करते हैं। और इसमें जो रैम क्लॉक रेट है 1600 से शुरू हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि 3800 तक ये जा सकता है ना, और डेटा ट्रांसफर रेट जो है इसमें 4800 जो 19 में आया था उसमें 4800 था, और बाद में जो आया था उसमें 5600 या 5800 एमटी पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफर रेट था, ऐसा माना जा रहा है कि ये 6400 तक जा सकता है, अलग अलग वर्जन इसमें डिजाइन किए जा रहे हैं। तो ये हमारा DDR का पार्ट है, इतने तरह के ये हमारे हो गए। अगर आप डायनेमिक और स्टैटिक रैम में कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर बिट, एक बिट में डायनेमिक रैम में 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर लगेंगे, जबकि स्टैटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर्स लगेंगे। स्टोरेज टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर काम करता है, जबकि स्टैटिक रैम जो 6 ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी स्विचिंग पर, ऑन और ऑफ कंडीशन पर काम करता है, ठीक है। एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें, जिसको डिले भी कहते हैं, एक्सेस टाइम मतलब कितना समय लेगा प्रोपेगेशन डिले, तो डायनेमिक रैम में ये ज्यादा है जबकि स्टैटिक रैम में कम है। तो जिसमें एक्सेस टाइम ज्यादा होगा उसका स्पीड स्लो होगा, तो अगर एक्सेस स्पीड की बात करें तो डायनेमिक रैम की स्पीड स्लो है, स्टैटिक रैम की स्पीड फास्ट है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो डायनेमिक रैम में केवल 2 ही कंपोनेंट है, उसकी डिजाइनिंग आसान है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब कॉस्ट क्या है, लो है। लेकिन अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो ये 6 टाइम, वैसे सही डेटा क्या है 10 टाइम्स करीब करीब, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट इसकी हो जाती है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो नॉर्मल रैम की तरह ये काम करता है मेन मेमोरी में, जबकि स्टैटिक रैम आपका कैश मेमोरी की तरह काम करता है रैम में, या वर्चुअल रैम में ये लॉजिकल मेमोरी की तरह काम करता है, ये इसको लॉजिकल कैश बोलते हैं। कैश ऑफ वर्चुअल रैम इज नोन एज लॉजिकल मेमोरी, ठीक है। तो अभी वर्चुअल मेमोरी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो रैम की तरह काम करता है, वो सेकेंडरी मेमोरी का हालांकि पार्ट है,
लेकिन डीएमए की सहायता से उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। आखिरी लाइन भी देखें, ड्यू टू मच हायर कॉस्ट कैश मेमोरी साइज इज केप्ट स्मॉलर सो दैट सिस्टम कैन बी अवेल्ड टू द बजट ऑफ इन द बजट ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन के बजट में एक सिस्टम को अवेल किया जा सके उसके लिए कैश मेमोरी की साइज को स्मॉलर रखा जाता है, इतना ही रखा जाएगा जितनी जरूरत हो सिस्टम में काम कर सके। तो इतने तरह के ये आपके रैम आपके थे टाइप्स ऑफ रैम का। ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से बोलिए वो भी चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।